Hey guys, welcome back to my channel in हर कॉज सुपर ब्यूटी हैक्स. सो आई एम हैरी. सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेल एक्रेलिक नेल्स एक्सटेंशन का प्रॉपर ट्यूटोरियल. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर स्टार्ट टूडेज वीडियो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो. मैंने करवाए हैं ओम्ब्रे नेल्स एंड वन नेल पे मैंने इन बिल्ट कलर करवाया है. समर टचअप दिया है मैंने अपने नेल्स को. सो इस ट्यूटोरियल को ज़रूर इन्जॉय करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ऑलरेडी यहाँ पे मेरी नेल्स की क्लेंजिंग हो चुकी थी एंड फेक नेल्स जो थे वो अटैच किए जा रहे थे एंड वो इतने बड़े बड़े थे. उसके बाद आपको पूछा जाता है आपने कितनी लेंथ रखनी है. लेंथ रखने के बाद उनको अच्छे से शेप दी जाती है ताकि जो फेक नेल्स हैं वो आपके ओरिजिनल नेल्स के साथ मैच हो जाए. आपके जो एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है उसको रिमूव किया जाता है, नेल्स को पुश किया जाता है ताकि अच्छी खासी स्पेस बन सके. एंड फेक नेल्स बनाने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने एक नेल इनबिल्ट करवाना था. फिर एक नेल्स को रिमूव किया गया, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेल अप्लाई किया गया एंड मैंने कुछ समर सीज़न को ध्यान में रखते हुए विद फ्लावर्स एंड छोटे छोटे बटरफ्लाई सोचे थे जो कि समर सीज़न को टोटली लाइक टच करते हैं. एंड ये समर नेल्स में ओम्ब्रे नेल्स हो गए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चलते हैं. तो डिफरेंट कलर की मैंने यहाँ पे बटरफ्लाइज अटैच करवाई थी. मैंने जो नेल्स की शेप थी वो ज़्यादा लंबी नहीं रखी ताकि आप घर का कोई भी काम कर सकें. इन बिल्ट नेल्स को जितना टाइम लगा गाइज, दो नेल्स मैंने इन बिल्ट करवाए थे दोनों हाथों के रिंग फिंगर, इतना टाइम मेरे ओम्ब्रे नेल्स को नहीं लगा जितना दोनों नेल्स को लग गया. ओम्ब्रे नेल्स तो मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही हो गए, बहुत जल्दी हो गए. तो यहाँ पे इनबिल्ट नेल्स को अप्लाई करने के बाद अच्छे से ग्लू के साथ सेट किया जा रहा है एंड उसके ऊपर फिर मैंने ट्रांसपेरेंट जेल अप्लाई करवाया था ताकि जो मैंने वहाँ पे नेल्स के ऊपर डिज़ाइन करवाया था ताकि वो अच्छे से दिखे, आप देख सकते हैं. एंड ऑल्सो उसको जेल के साथ कवर अप करवा दिया था ताकि वो किसी चीज़ के साथ फंस कर निकले ना. एंड ऑल्सो गाइज, जब भी आप नेल्स करवाने जाओ आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं क्योंकि मैंने भी अपने नेल्स समर बीची नेल्स जो मैंने चूज़ किए थे डिज़ाइन वो मैंने अपने हिसाब से करवाया था. एंड उसके बाद फिर मैंने न्यूड पिंक कलर का शेड जो था उसको मैंने एज अ बेस कलर चूज़ किया था. एंड यहाँ पे यूवी लाइट से वो आपको बार बार सुखा रहे थे राइट, तो लाइट ग्रीन कलर जो थोड़ा सा ना था ग्रास कलर का वो सोचा था मैंने ओम्ब्रे करने के लिए. एंड उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन किया था ग्लिटर अप्लाई करवाने का. जब ग्लिटर अप्लाई करवाए तब वो बहुत ज़्यादा मतलब लग रहे थे, फंस रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, उनको शेपर के साथ फाइल कर दिया और उसके ऊपर से उन्होंने दोबारा टॉप कोट अप्लाई कर दिया. एंड उसके बाद वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में फंस नहीं रहे थे. अगर आप भी ग्लिटर अप्लाई करवाते हो तो उनको बोलो कि शेपर के साथ उनको पूरा मर्ज कर दे ताकि वो किसी के साथ ना लगे. और लगे भी कि आपने ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं, दैट सो नाइस ऑफ हर. मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने मेरे नेल्स किए हैं. हर नेम इज़ नेहा फ्रॉम रूपसी मैट्रिक सैलून. दिस इज़ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड. बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है एंड हमने बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली जब मेरा नेल्स का सेशन हो रहा था क्योंकि 1.5 आवर तो आपका जाता है एक्रेलिक नेल्स में. तो अगर आपने कोई भी डिज़ाइन करवाना हो हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट रीज़ है. एंड हियर इज़ द फाइनल लुक. अगर लुक पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना. मिलते हैं.